बुढ़ापे में पालने के लिए बेटा ना हो तो हमें कौन पालेगा, कौन सहारा देगा, ये सोच आज भी समाज में घर बनाए हुए हैं। यही सोच रखने वाले 85 वर्षीय श्रीराम कटरे ने अपनी पत्नी 82 वर्षीय शकुंतला कटरे के साथ बेटी के घर पर साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर लिया है। अमरावती के रहने वाले श्रीराम कटरे को 5 पुत्रिया है, उन सभी की शादियाँ हो गई है और कटरे अपनी पत्नी शकुंतला के साथ कुछ दिन इस पुत्री के यहाँ तो कुछ दिन एक पुत्री के यहाँ तो वही कुछ दिन दूसरे पुत्री के यहाँ रहते थे। एक माह पहले ही इमामवाड़ा परिसर में रहने वाली सबसे बड़ी बेटी ज्योति पार्थी के यहाँ रहने आए थे और शादी होने के बाद कुछ दिन बेटी के यहाँ रहने की इच्छा से वह रुके हुए थे। घटना के दिन ज्योति का पूरा परिवार बर्थडे पार्टी में गया था, मगर कटरे अपनी पत्नी के साथ घर पर ही रुके हुए थे। बेटा ना होने का दुख उन्हें था और हमेशा पांचों बेटियों की तरफ वह रहते थे। घटना के दिन बेटा ना होने के डर से ही परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद दोनों लाशों को अगली कार्रवाई के लिए भेजा गया है। कालच्या तारखेमध्ये एक आत्महत्या केल्याचं प्रकरण बाबत माहिती मिळालेली होती। चंदननगर या ठिकाणी आपल्या नातेवाईकाकडे राहावयास आलेले श्रीराम बापू कटरे वय 85 वर्षे व त्यांची पत्नी शकुंतला श्रीराम कटरे दोघे राहणार अमरावती हे आपल्या मुलीच्या घरी आलेले होते। घटनेच्या वेळेस मुलीच्या घरचे सर्व सदस्य, कुटुंबातील सदस्य त्यांच्या नातेवाईकाच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमाकरिता बाहेर गेले असता हे दोनच दाम्पत्य वयोवृद्ध दाम्पत्य घरी होते। दरम्यानच्या कालावधीमध्ये त्यांनी घरामध्ये सिलिंग फॅनला साडीच्या साह्याने गळफास लावून आत्महत्या केलेली आहे। सदर घटनेमध्ये जे मृतक आहेत त्यांची मुलगी कार्यक्रमावरून ज्यावेळेस घरी परत आली त्यावेळेस त्यांना घरामध्ये आतून दरवाजा बंद आढळला आणि यांचा कुठलाही प्रतिसाद दिसून आला नाही, म्हणून त्यांनी मागच्या दारातून आतमध्ये प्रवेश केला असता त्यांना सदरची घटना निदर्शनास आली आणि त्यांनी ताबडतोब नियंत्रण कक्षाला घटनेबाबत माहिती दिल्यामुळे पोलीस चौकशीकामी घटनास्थळी गेले। प्राथमिक जे दाम्पत्याने गळफास घेतलेला आहे त्यांना स्वतःला मुलगा नव्हता, त्यामुळे ते आपल्या मुलीच्या घरी राहावयास होते। त्यांना एकूण 5 मुली आहेत आणि वर्धापकाळाला कंटाळून त्यांनी आत्महत्या केली असावी असा एक प्राथमिक अंदाज आहे। सध्या त्यांचं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल या ठिकाणी पोस्टमॉर्टम सुरू आहे। पोस्टमॉर्टम अहवालामध्ये मरणाचं कारण स्पष्ट होईल, त्याप्रमाणे पुढील चौकशी करण्यात येईल। जानकार लोग हमेशा कहते हैं कि बेटा ना बेटी कुछ देता है, ऐसे में घर का चिराग बेटा है और उसी के सहारे हमें बुढ़ापा काटना है, यह सोच रखना गलत है। आज बुढ़ापे की व्यवस्था के लिए वृद्धाश्रम जैसी व्यवस्था बनाई गई है और जिसे कोई सहारा नहीं है वह वृद्धाश्रम में रह सकता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।